नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। ये जो लॉ है हमें क्या दर्शाता है, क्या ये हमें बताता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम बात करें, ये हमें बताता है कि जो वेवलेंथ होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी पे। अब हमने जो पीछे वाला लेक्चर हमने देखा था उसके अंदर हमने क्या देखा था, अगर हम उसको डिस्कस करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने लैम्डा यानी कि वेवलेंथ बनाई थी, वेवलेंथ को लिया था, और वर्टिकल एक्सिस पे हमने ब्लैक बॉडी की जो एमिटेंस थी, मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस थी, यानी कि जो हीट रेडिएट हो रही है वो हमने ली थी, तो एमिशन लिया था यानी कि एमिटेंस लिया था। तो इनके बीच में जब हम ग्राफ देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ जो है अलग अलग तरह की हमें एमिटेंस दिखती है। और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर अगर हम बात करें, ये पिछले वाला लेक्चर जो है उसका ओवरव्यू ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो है हमें क्या दिखता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। अब एक हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर जो है मैक्सिमम एमिटेंस मिलता था, यानी कि हर एक वेवलेंथ का हमारा जो है अलग अलग तरह से ये हमें एनर्जी या कहें कि जो एमिटेंस थी, एमिट जो रेडिएशन हो रही है वो अलग अलग थी, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर जो है आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम है। अब यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला गया, यानी कि मान लीजिए जो हमने टेम्परेचर माना था, जो पिछले लेक्चर्स में माना था, जैसे कि मान लीजिए ये 1100, यहाँ पे लगभग 1250 के करीब मान लिया, और यहाँ पे लगभग हमने मान लिया 1650 के लगभग, इतने के लगभग मान लिया, या 1644 में हमने माना था। तो जैसे जैसे ये केल्विन में है, जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता चला गया, अब ये जो वेवलेंथ है देखिए शिफ्ट होती चली गई, यानी कि ये छोटी होती चली गई। छोटी होने से क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह की हमारे पास कोई एक वेव है इस तरह की, अब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जो ये वेवलेंथ है वो हमें इस तरह की मिली, इस तरह की मिलनी स्टार्ट हो गई। आपने और टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये जो वेवलेंथ है हमें इस तरह की मिलनी स्टार्ट हो गई, इस तरह की वेवलेंथ मिलनी स्टार्ट हो गई। वेवलेंथ का क्या मतलब है, जो ये डिस्टेंस है ये लैम्डा, या नीचे से ले लीजिए तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे और छोटा हो गया, और यहाँ पर देखें और छोटा हो गया लैम्डा। यानी कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को राइज किया और ये जो वेवलेंथ है छोटी होती चली गई, यानी कि ये शिफ्ट होनी होती चली गई लोअर साइड पे। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो वेवलेंथ है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की हमने देखी, वो हमें क्या दिखती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो लैम्डा जो एम है हमारी, वो जो है अगर हमारी कम होगी, या कहें कि वो ज्यादा होगी या कम होगी, कुछ भी होगी, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। यानी कि जो अगर टेम्परेचर राइज होगा तो ये हमारी घटेगी, ये लोअर साइड की तरफ शिफ्ट होगी, और अगर ये जो है हमारा घटेगा तो ये जो है बड़ी होती चली जाएगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से ये प्रूव होता है, ये पिछले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे जो लैम्डा एम है वो आपका आ जाता है बी बाय टी के बराबर। ये जो बी है यहाँ पे, ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको आप वेन कांस्टेंट बोल सकते हैं। वेन जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग इसको वेन कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। और जो इसकी वैल्यू होती है, अगर हम यहाँ से बी की वैल्यू को निकालें तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वेवलेंथ के साथ टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो बी की वैल्यू है ये हमारे पास होती है, जो एक्सपेरिमेंटल है हमारी, 2.892 × 10⁻³। और इसके साथ जो यूनिट रहते हैं वो कौन सा यूनिट रहेंगे, अब देखिए लैम्डा जो है ये जो वेवलेंथ है ये मीटर में होती है, तो ये मीटर होगी, और टेम्परेचर क्या होता है कैल्विन यूनिट होती है, तो ये हमारी होगी मीटर कैल्विन के अंदर। तो इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, मीटर कैल्विन आएगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल्स के अंदर, 2.892 × 10⁻³ मीटर केल्विन। तो ये इसकी जो है बी की वैल्यू है, जो कि वेन्स कांस्टेंट है हमारा। अब यहां से देखिए ये क्लियर हो गया है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेवलेंथ जो है हमारी छोटी होती चली जाती है। तो इस लॉ के थ्रू हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, इस लॉ के थ्रू हम चेंज इन कलर को डिफाइन कर सकते हैं। चेंज इन कलर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है अगर हम रेड कलर की वेवलेंथ की बात करें तो वो ज्यादा होती है, वो लार्ज होती है, किसके कंपैरिजन में, कोई भी कलर अगर आप ले लें, मान लीजिए येलो कलर की बात करें तो येलो की इससे कम होती है, तो
तो ये ज्यादा है, तो ये जो है इसकी स्माल है, इससे कम है अगर इससे कंपैरिजन करें। इसी तरह से अगर हम और कलर की बात करें, मान लीजिए ब्लू की बात करें, तो वो इससे भी कम हो जाएगी, यानी कि जो वेवलेंथ है इसकी और स्माल हो जाएगी अगर हम रेड से कंपैरिजन करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं जो हमारा व्हाइट लाइट का जो पैटर्न बनता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और जो हमारा रेड है, तो रेड के जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, इसी तरह से ये कम होती चली जाती है। अगर येलो की बात करें वो भी कम है, ब्लू की बात करें, ग्रीन की बात करें वो कम है सारी रेड से, इसी तरह से इंडिगो और जो वायलेट है ये सारी कम है। तो ये कैसे कम होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। अब ये लो क्या दिखाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस तरह से कलर भी चेंज होने लग जाता है। जैसे मान लीजिए हाई टेम्परेचर पे वो रेड है, फिर अगर आप और कम करेंगे तो वो इस तरह से ऑरेंज और फिर येलो फिर ग्रीन, इस तरह से उसकी जो टेम्परेचर घटने के साथ साथ वेवलेंथ जो है वो चेंज हो रही है, इसी कारण से कलर चेंज हो रहा है। तो चेंज इन कलर को ये दर्शाता है, उसको ये प्रूव करता है एक तरह से अगर हम कहें। दूसरा, ये जो हमारे सन है, स्टार्स हैं, उनके टेम्परेचर को भी बताता है, तो वो भी हमारा वेवलेंथ से ही जुड़ा हुआ है एक तरह से, लैम्डा से, क्योंकि जिस कलर की जो वेवलेंथ होगी या जिस रेंज की वो वेवलेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है हम जो टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी स्पेक्ट्रम है, सन का स्पेक्ट्रम है या किसी स्टार का स्पेक्ट्रम आप बना रहे हैं कलर्स के अकॉर्डिंग, तो वहां पर जो है किस अकॉर्डिंग जो रेडिएशन एमिट हो रही है, तो वो जो है वो हमारा दर्शाता है कि वहां का टेम्परेचर कितना होगा, तो वहां का टेम्परेचर हम बता सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, अब यहां से देखिए, अगर ये जो फॉर्मूला था हमारा, ये यहां से अगर आप टी को निकालना चाहें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को निकालना चाहें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बी बाय लैम्डा एम, ये हो जाता है। अब बी की वैल्यू आपको पता है 2.892 × 10⁻³ मीटर केल्विन। अगर आपको लैम्डा एम की वैल्यू पता चल जाए, यानी कि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का आपको पता हो, तो अगर उससे आप इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास तो टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वहां का जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से टेम्परेचर ऑफ सन और स्टार्स के बारे में भी जो है ये बताता है, इसका यूज आप कर सकते हैं, जो स्पेक्ट्रम है उसकी एनालाइज करके उसके टेम्परेचर को बताया जा सकता है, जो भी वेवलेंथ का वहां पर कलर की रेडिएशन है उसके थ्रू। तो ये होता है हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।